नमस्कार, आपका स्वागत है प्रेरणा समाचार में। मैं हूं पल्लवी। प्लास्टिक की बोतल के बदले मुफ्त में ले सकेंगे दूध, दही और ब्रेड। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन हरियाणा के पंचकुला में हुई ये अनोखी पहल। पंचकुला नगर निगम ने साल 2020 में शहर को स्वच्छ शहरों की श्रेणी में लाने के लिए वेस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम पंचकुला के सेक्टरों में 4 वीटा बूथों से शुरू किया गया है। इसके तहत 10 प्लास्टिक बोतलों के बदले आधा किलो दूध का पैकेट, 7 बोतलों के बदले 200 ग्राम दही, 5 प्लास्टिक बोतलों के बदले ब्रेड का एक पैकेट मुफ्त दिया जाएगा। मुहिम का उद्देश्य आसपास के क्षेत्रों को कचरा मुक्त करना और लोगों को साफ सफाई और प्लास्टिक प्रयोग नहीं करने के प्रति जागरूक करना है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर में प्रकाशित रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हमारे शरीर में हर सप्ताह प्लास्टिक के करीब 2000 छोटे कण प्रवेश करते हैं। सांस लेने से भी हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक के कण शरीर में जा रहे हैं। ऐसे में प्लास्टिक मुक्त देश बनाने की ये मुहिम स्वच्छता और स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभदायक है। और अब समाचार मध्य प्रदेश के इंदौर से, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने किया निजानंदी ताई महाराज भक्त निवास का लोकार्पण। इंदौर के साउथ तुकोगंज स्थित नाथ मंदिर परिसर में भक्तों के सहयोग से निर्मित निजानंदी ताई महाराज भक्त निवास का डॉक्टर मोहन भागवत ने लोकार्पण किया। ये धर्मशाला देश विदेश से आने वाले भक्तों को ठहराने के लिए बनाई गई है। लोकार्पण समारोह अंजनगांव सुरजी के जितेंद्र नाथ महाराज की अध्यक्षता में हुआ। आपको बता दें कि सरसंघचालक अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए इंदौर पहुंचे हैं। उधर बंगलुरु में संघ के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने कहा कि श्री सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम भविष्य में हजारों श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थल बनेगा। स्थूलभद्र धाम में आचार्य चंद्रयश सूरीश्वर के सानिध्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य ने श्री सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम तीर्थ का अवलोकन किया। उन्होंने कहा, नैसर्गिक और पवित्र वातावरण के कारण यह स्थल बहुत मनमोहक लगता है, जहां जिनालयों की शिल्पकला अद्भुत है। आचार्य ने कहा कि जैन परिवार संघ समाज के लिए सदा समर्पित है। इसका ही परिणाम है कि आज देवनहल्ली में 108 पार्श्वनाथ तीर्थ विक्रम स्थूलभद्र विहार और स्थूलभद्र धाम का निर्माण हो पाया है। और आइए अब जानते हैं 3 जनवरी का इतिहास। हिंदू चेतना के संपादक श्री जगदीश चंद्र त्रिपाठी का जन्म 3 जनवरी 1936 को उत्तराखंड के अल्मोड़ा में हुआ। 1956 में वे प्रचारक बने। उत्तर प्रदेश में वे पूरनपुर, एटा, शामली, गाजियाबाद, श्रीनगर, गढ़वाल तथा रामपुर में नगर, तहसील व जिला प्रचारक रहे। वे बंगाल में वर्धमान विभाग प्रचारक तथा कोलकाता में प्रांतीय कार्यालय प्रमुख भी रहे। आपातकाल में वे दार्जिलिंग में गिरफ्तार हुए। कुछ समय बाद उनकी जमानत हो गई, पर उन्हें हर महीने थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। 1984 से 1990 तक वे वरिष्ठ प्रचारक श्री भाऊराव देवरस जी के निजी सहायक रहे। उन्होंने उत्तरांचल उत्थान परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, लोक भारती तथा विश्व संवाद केंद्र का कार्यभार भी संभाला। विश्व हिंदू परिषद की हिंदू चेतना पत्रिका के वे संपादक रहे। हिंदी और कुमाऊनी के साथ ही वे बंगला, मराठी और पंजाबी भी बोल लेते थे। 12 मार्च 2015 को दिल्ली में जगदीश चंद्र जी का निधन हुआ। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।